हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो हमारी है ट्रिग्नोमेट्री की 5 नंबर वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलेज और उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सम और डिफरेंस के फॉर्मूले हैं ये। इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इन फॉर्मूले को हमें लर्न करना होगा, इनके ऊपर प्रैक्टिस करने की। बार बार ये क्वेश्चंस आते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री अगर आप कर रहे हो। बाकी आपने 11th 12th में पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन भी फॉर्मूले पढ़े होंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, बस एक बार देखना जरूरी है और इनके ऊपर क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है ना। और ये आते भी हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी करना है मुझे, तो क्या होगा फॉर्मूला, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद रखना, यहाँ कंफ्यूज हो जाती है, साइन ए पहले ले रहे हैं फिर कॉस बी ले रहे हैं, दोबारा में प्लस करके कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर है। मतलब यहाँ अगर कोई भी होती है 30 डिग्री होती है और यहाँ 60 डिग्री होती है, ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा 30 डिग्री आ जाएगा साइन के साथ और इसके साथ 60 डिग्री, तो अगली बार में कॉस ही आएगा, नहीं कॉस के साथ 30 डिग्री उसके साथ 60 डिग्री, सिक्स है ना, ये चीज़ हो जाती है। सेम है अगर ए माइनस बी है साइन के साथ, तो साइन ए बस माइनस लग जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, साइन ए इंटू कॉस बी सेम रहेगा, ठीक है। अगर कॉस ए प्लस बी है, इसमें देखना जरूरी होता है क्या चीज, कि इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, फर्स्ट जो टर्म होती है प्लस से पहले कॉस ए इंटू कॉस बी। और एक चीज और, कॉस ए प्लस बी के साथ, प्लस के साथ हमारा क्या आता है हमेशा माइनस होता है, और यहाँ माइनस के साथ क्या होगा प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्लियर है। कॉस ए माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के लिए मैंने आपको पिछली जो वीडियो कराई थी उसमें भी इसको समझा दिया था, टेन ए प्लस टेन बी, पहले टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस। अब देखो यहाँ प्लस ऊपर है हमारे, इसके साथ प्लस चलेगा और नीचे माइनस चलेगा, और इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, टेन ए इंटू टेन बी, क्लियर है ना। टेन ए प्लस टेन बी, जो टेन ए प्लस बी था ना, तो टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन इंटू टेन बी। अगर माइनस लिखना है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ध्यान रखना ए टेन ए माइनस बी है ना, तो टेन ए माइनस टेन बी, क्लियर है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब कॉट ए प्लस बी के लिए क्या होगा, उल्टा कर देंगे, देखो जो टेन ए इंटू टेन बी था ना, तो इसमें कॉट ले रहे हैं, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस था, तो नीचे प्लस आएगा ना कि ऊपर क्या जाएगा माइनस, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, बिल्कुल टेन से रिलेट है, बस अपोजिट कर दिया उसको, क्या कॉट ए प्लस कॉट बी, क्लियर है ना। यहाँ टेन ए प्लस टेन बी हो रहा था, यहाँ क्या है कॉट ए माइनस बी, तो ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, सिंपल है ना, इजी कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, इनको बस देखते ही आपको लर्न हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको नोटबुक में लिख लेंगे और इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में करा भी दूंगा। अब देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी क्या था साइन ए प्लस बी, देखो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को इंटू के साथ हम कर देते हैं, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर है ना। या फिर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन है ना, जब कॉस की टर्म में दे रखी होगी वैल्यू, कॉस ही लिखना होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन की टर्म में वैल्यू दे रखी होगी तो हम ये साइन के लिए लगा देंगे, इजी है ना। अब देखो कॉस के लिए हो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो, तो देखो कॉस के लिए अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, जो जरूरत पड़े उस टाइम पर ये फॉर्मूले दोनों में से कोई सा भी, दोनों ही सही हैं, जब जरूरत होती है तब कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, यही मेन थिंग्स होती है हमारी, ठीक है ना। अब देखो ये प्रैक्टिस से आ जाता है कौन सा फॉर्मूला कब है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्लियर है ना। अब देखो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस माइनस बी, ठीक है ना, एक साथ टेन ए प्लस माइनस टेन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, सिंपल है, साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। अगर देखो क्या है प्लस माइनस क्या है, टेन ए प्लस बी होता टेन ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस के लिए ये लिखते हैं माइनस के लिए ये लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब क्या हुआ इसका, ये किसका फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन इंटू कॉस बी, देखो ये रहा साइन इंटू कॉस बी, अब दोनों एक ही है ना, प्लस माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस माइनस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा, या तो ये लिख लो इसको
एक्सपेंड कर दिया या फिर और उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। कॉट के लिए भी ए प्लस ए कॉट ए कॉट है, ठीक है, कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी के लिए भी यही सेम हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इसमें नीचे साइन रहेगा, ठीक है ना। ये इजी कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना, मैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 1/4 अंडर रूट 3 cos 23 डिग्री माइनस cos 23 डिग्री, ठीक है ना, साइंस और कॉस साइन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्लियर, हमें फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले वेस्ट ही क्वेश्चन होगा, तो सिंपल सी बात है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1/4 दे रखा है, अगर 1/2 यहाँ रखो, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, 1/2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 कॉस 23 डिग्री माइनस का, अब देखो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई किया, इसमें भी होगा ना साइन 23 डिग्री, ये हो जाएगा ना। अब देखो आगे क्या होगा, अंडर रूट 3/2 किसकी होती है, साइन में हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है ना, तो देखो 1/2 बाहर रहेगा, क्या हो जाएगा, साइन 60 इंटू कॉस 23 ये रहेगा ना। आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 किसकी होती है, देखो कॉस की निकाली ना, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर ना। तो कॉस किसकी होती है, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री और इंटू क्या हो जाएगा, साइन 23 डिग्री, क्लियर। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 साइन ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 60 डिग्री प्लस 20 ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस लगाए ना, तो माइनस 60 डिग्री माइनस का 23 डिग्री, क्लियर है ना। अब 60 डिग्री में से 37 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा, 1/2 साइन 37 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन 37 डिग्री आ रहा है, कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, 1/2 साइन 37 डिग्री कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन हो जाएगा। साइन ए 4/5 एंड कॉस बी माइनस का 12/13, देखो ये क्या कर रहा है, ए और बी, ए और बी लाई कर रहे हैं हमारे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज है, मैंने बता चुका हूँ आपको, सेकंड वीडियो में मैंने ये एक साइन बताए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में किस साइन कौन सा वाला पॉजिटिव रहेगा, और रेस्पेक्टिवली का मतलब आप जानते हो, जो ए जो है वो कौन से में, फर्स्ट में, और बी वाली जो वैल्यू आएंगी वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। अब ऑप्शन हमें दे रखे, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, सिंपल हमें पता ही है इसका, देखो हमें क्या पूछा है, कॉस हमें दे रखा है, कॉस ए प्लस बी, अब देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, देखो प्लस है तो यहां माइनस लग जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, यही है ना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला इनपुट कर देते हैं, कॉस ए, कॉस ए हमें कहीं दे नहीं रखा, साइन ए दे रखा है, तो क्या करते हैं, कॉस ए में चेंज कर लेंगे, मैं आपको बता चुका था, देखो यहां बता चुका था मैं, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, कैसे, वही फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे ही बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बात वही है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दिया ना साइन को, तो 1 माइनस अंडर रूट लगा देंगे, कॉस की वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब साइन स्क्वायर साइन की वैल्यू हमें पता है 4/5, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, देखो होल स्क्वायर हो गया, यानी 4 जा 16, 5 जा 25, तो 16 डिवाइडेड बाय 25 पहला हो गया, इनटू कॉस, फिर क्या आएगा, कॉस ए इनटू कॉस बी, कॉस बी क्या है हमारा, ये है हमारा कॉस बी, है ना, ये कॉस बी क्या है, माइनस का 12 बाई 13, ये ऐसे ही रहेगा, क्लियर है ना, माइनस का 12/13 ऐसे ही रहेगा। अब देखो इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी, तो देखो क्या लगता है, माइनस लगा के साइन इंटू कॉस बी लगेगा, तो मैं देखो इसको इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए में दे रखा है 4/5, माइनस लगा, इस माइनस को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और देखो अगली वैल्यू क्या है हमें, देखो अब साइन बी पता नहीं, तो इससे निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला साइन बी के लिए, साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, इधर भेज देंगे इसको, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, यहाँ कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बी की वैल्यू आ जाएगी,
इजी है। अब देखो b की वैल्यू क्या है, ये रही, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, क्लियर है ना। तो क्या लगाएंगे मैं, सिंपली अंडर रूट 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, क्लियर। अब देखो 169 यहां जाएगा, तो 169 माइनस का क्या 44, तो 25 डिवाइडेड बाय 13, 25 डिवाइडेड बाय 13, देखो सॉल्व कर लेते हैं क्या जाएगा। पहले इसको मैं यहीं लिख देता हूं, इस जगह पे नहीं था, ये गलती होगी मेरे से, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ इसलिए यहाँ पर है। क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 169, क्लियर है ना। ये यहाँ माइनस लगा के, पहले ये है फिर उसके बाद ये। अब देखो इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, क्लियर है ना, यहाँ पर समझाऊंगा इसको। तो इक्वल टू लगा के ध्यान रखना, वो पूरी डिजिट को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, पहले ये था, तो क्या हो गया इधर 25 माइनस का 16 कितना 9 डिवाइडेड बाय 25, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो अंडर रूट हटा देंगे ना 3 से, तो क्या जाएगा 3/5, क्लियर 3/5, तो ये हो गया। और इनटू में क्या है, माइनस का 12/13, ये है ना इनटू में ये इनटू, क्लियर। अब माइनस लगा के ये 4 बाई क्या था, 4/5 था ये वाला, तो 4/5 तो ऐसे ही रहेगा सेम। और ये क्या हो जाएगा 169 में से माइनस करते हैं 144, 25 अब करके देख लो 24 आएगा, 25 का क्या होता है अंडर रूट हटाएंगे तो 5, और 69 का तो पता ही 13, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13, ये आया। अब देखो इसमें हमने क्या बोला था कि b क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो b किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, b जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है। जब b थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखो यहां पर b क्या था हमारा, cos a इनटू cos b, cos a इंटू cos b, तो ये तो माइनस में रहेगा ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी माइनस में। अब देखो इसके लिए बात करते हैं, तो ये क्या है साइन इंटू साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस होगा, तो साइन भी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्लियर है ना, ये जगह माइनस हो जाएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब लिख लेना, पहले लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो 13 5 से 65 और 12 से 36, माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 65, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, पहले तो प्लस, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है, और 13 5 से 65 और क्या है 5 4 से 20, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम 65 सेम है, तो 65 लिख देंगे, क्लियर। अब देखो इसमें से क्या 65 सेम होने की वजह से 36 में से 20 गए, तो कितना बचेगा माइनस का 16, तो क्या हो जाएगा माइनस का 16, ये हमारा माइनस का 16 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन है हमारे पास माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 65, यही है ना ऑप्शन सेम, डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं। अब देखो इस वाले को देखते हैं, टेन 5x टेन 3x इंटू टेन 2x, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं, ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, आप देख रहे हो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके इक्वल टू में क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, देखो 5x सबसे बड़ी डिजिट है, 5x को हम क्या लिख सकते हैं 3x और प्लस 2x, ये लिख सकते हैं 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब क्या कर सकता हूं मैं, तो यानी क्या हो सकता है हमारा 5x को हम लिख सकते हैं 10 3x प्लस 10 2x, ये लिख सकते हैं 10 3x प्लस 10 2x, अब 10 5x तो है ये 10 5x इक्वल टू, अब इसका क्या फॉर्मूला है हमारा, है हमारे पास 10a इंटू 10a प्लस 10b का, 10a प्लस b, देखो हमारे पास फॉर्मूला है 10a प्लस b, क्या फॉर्मूला है 10a क्या है हमारा 3x, 3x है प्लस 10b क्या है हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही है ना हमारे पास, 10a क्या है हमारा 3x, 10b हमारा 2x, क्लियर। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा इधर करने पर, देखो ये इधर जाएगा, तो 10 5x माइनस का 10 5x इंटू 10 3x इंटू 10 2x, ये इधर जा रहा है ना पूरा, इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 5x माइनस का 10 5x इंटू 10 3x इंटू 10 2x, क्लियर। अब इक्वल टू में क्या हो गया, ये ऊपर वाली डिजिट क्या है 10 3x प्लस 10 2x, समझ में तो आ रहा है ना, बस इसको इधर ले गया, इक्वल टू में ऊपर वाला बचेगा तो इधर लिख दिया मैंने। अब देखो इधर जगह नहीं है इसलिए यहां लेके आ रहा हूं इसे, याद रखना इस जगह पर। अब देखो यहां समझा रहा हूं मैं आपको क्या करते हैं, देखो
tan 5x है, माइनस का tan 5x into tan 3x, tan into tan 2x, देखो यही तो मैं चाहिए, यही तो मैं पूछा है, तो ये हमें मिल गया, क्या करूं मैं इसको पूरे को उधर ले जाऊं, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और इस पूरे को इधर ले आऊं तो ये क्या है प्लस के दोनों तो माइनस के हो जाएंगे, क्लियर है ना, मतलब मैं क्या करूं इन दोनों को इक्वल टू के इधर ले आऊं तो क्या हो गया 5x 5x tan 5x हो गया ना, जो है पहले से क्या है tan 5x तो है ये, अब इधर आएगा ये माइनस का tan 3x, tan 3x माइनस का tan 2x इक्वल टू में क्या चला गया, अब ये पूरा का पूरा उधर चला गया, उधर जाएगा तो सब प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या होगा tan 5x into tan 3x और tan 2x, यही तो पूछा है मैं दे रहा हूं, किसके बराबर है इसके बराबर, यानी ऑप्शन ए के बराबर है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू।